तो फ्रेंड्स पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इंटरव्यू से सीधी भर्ती विभिन्न जिलों में, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे विभिन्न जिलों में है, अनुदेशक, प्रयोगशाला सहायक इत्यादि पद है, जो कि सैलरी की बात करते हो तो 13,000 से लेके 30,000 तक। आप सभी को बता दूं कि जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूं कि बिहार में पॉलिटेक्निक कॉलेज बिहार के सभी जिलों में खोला गया है लगभग 2-3 सालों से। उससे पहले क्या होता था, आप बिहार राज्य से बाहर पढ़ने जाते थे पॉलिटेक्निक को तैयारी करने के लिए या फिर बीटेक के लिए, उनको यहाँ पर सब्सिडी दिया जाता था, यानी कहे तो बिहार सरकार की द्वारा मतलब कि तैयारी किया जाता था, उसमें बिहार सरकार उसका जो होता है रुपया उसका जो फी होता है वो पेड करते थे, बिहार सरकार के द्वारा ये किया जाता था, जो कि पूरे हुआ यहाँ पे दूसरे राज्य में चला जाता था, यानी कि दूसरे राज्य में पॉलिटेक्निक कॉलेज था उनको यहाँ पे जो लोग भी बिहार के लोग वहाँ पे इंजीनियर वगैरह फिर पॉलिटेक्निक वगैरह की तैयारी करने जाते थे उन लोगों के लिए बिहार सरकार जो है वो पैसा जो होता है उसका कोर्स का पेड करते थे। तो क्या हो गया कि बिहार सरकार कुछ सालों से बिहार के लगभग सभी जिलों में पॉलिटेक्निक कॉलेज, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज यानी कि उसको खोल दिया गया है, यानी कि बनवाया, उसके बाद वो पूरे चालू कर दिया गया। तो वहाँ पे पढ़ाई भी जारी है लगभग कई सालों से, आपको बता दूँ। तो इसके लिए यहाँ पे जो भर्ती आई हैं बिहार के विभिन्न जिलों में, जो कि यहाँ पे अनुदेशक, प्रयोगशाला सहायक इत्यादि पद है, जो कि बिहार के लगभग कई जिलों में यहाँ पे वैकेंसी आई है विभिन्न जिलों में, जो कि मैं कुछ दिन पहले तो मैं वीडियो भी बनाया था और कुछ जिलों को मैं वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि कारण ये है कि आप सभी वीडियो को जैसे जैसे शेयर नहीं करते हैं और उसमें व्यू नहीं आते हैं, इसलिए हम उतना अपडेट नहीं कर पाते हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो मैं प्रत्येक छोटी बड़ी जो हो गया अब जो बिहार जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। तो जितना हो सके आप जितना व्हाट्सएप ग्रुप है सब तो यहाँ पे आप शेयर करते रहिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेट होता रहे और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करें। तो चलिए आज फिर आया है लगभग कई जिलों में फिर यहाँ पे वैकेंसी को लेकर ये आई है भर्ती को लेकर। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है और इसमें भर्ती के लिए क्या क्या इसमें जो है क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, सैलरी वगैरह क्या है, कब से इसका डेट कब तक है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो यदि आप बिहार से हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों कि मधेपुरा में यहाँ पे वैकेंसी को लेकर यहाँ पे न्यूज नोटिस आई है, जो कि यहाँ पे पता बताया गया कि राजकीय पॉलिटेक्निक मधेपुरा ग्राम धुरिया कलासन थाना चौसा जिला मधेपुरा पिन कोड यहाँ पे दिया गया है और सरकार सूचना संख्या भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि कुछ इस तरह का यहाँ पे बताया गया है, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक मधेपुरा के विभिन्न शाखाओं विषयों से यहाँ पे बताया गया कि सृजित पदों पर आवश्यक के अनुरूप मानदेय के आधार पर अतिथि व्याख्या, जी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि अतिथि व्याख्या, प्रयोगशाला सहायक, अनुदेशक आदि के कार्य अनुमति प्रदान करने हेतु ऑनलाइन आवेदन 30/8/2021 तक संस्थान के ईमेल आईडी के साथ प्रमाण पत्रों अतिथि व्याख्या हेतु यहाँ पे मांगा गया है। बीटेक, एमटेक, जीएटई, नीट और एमएससी, एमए ये मांगा गया है, गेट और भी चीज़ यहाँ पे मांगा गया था कि यहाँ पे देख सकते हो कि बताया गया कि तथा अतिथि प्रयोगशाला सहायक अनुदेशक हेतु डिप्लोमा, आईटीआई अनुभव आदि के संबंधित सभी प्रमाणित प्रमाण पत्रों को संकलन करना अनिवार्य है। और यहाँ पे बताया गया कि ऑनलाइन साक्षात्कार की सूचना मेघा के आधार पर दूरभाष ईमेल संख्या के वेबसाइट यहाँ पे देख सकते हो कि ये रहा वेबसाइट www.gpmadhepura.edu.in के द्वारा दी जाएगी। और यहाँ पे बताया गया कि अनुभव, सेवानिवृत्त, एमटेक, गेट, नेट एवं उच्च अर्हता प्राप्त को प्राथमिकता दी जाएगी, यह पूर्ण अस्थाई व्यवस्था है। तो यहाँ पे बताया गया शाखाओं का नाम, विषय का नाम और यहाँ पे पद नाम यहाँ पे दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता बताया गया किस पद के लिए कितना कितना शैक्षणिक योग्यता है और यहाँ पे मानदेय बताया गया 800 रुपया प्रति वर्ग कार्य एवं अधिकतम 30,000 प्रति माह आपको दिया जाएगा। इसके लिए सरकार जो कहते हैं इंटरव्यू, यहाँ पे डायरेक्ट भर्ती हो रही है इंटरव्यू के मार्फत से, तो इसके लिए यहाँ पे 7/9/2021 का शुरू है, उसके बाद फिर 8 का है और उसके बाद फिर यहाँ पे दोस्तों की 9 सितंबर का भी यहाँ पे बताया गया है, जो कि यहाँ पे अतिथि प्रयोगशाला, अतिथि अनुदेशक और यहाँ पे अतिथि व्याख्या का पद है। तो ये रहा मधेपुरा का। अब बात करते हैं जो और भी जिले में आई है उसके बारे में, तो आपको बता दें कि इसमें आरक्षण का भी पालन किया जाएगा, जो कि बताया गया है। अब बात करते हैं भागलपुर में भी, यहाँ पे देख सकते हो कि ये वैकेंसी के लेकर यहाँ पे नीचे नोटिस आ रही है, जो कि राजकीय पॉलिटेक्निक भागलपुर
और यहाँ पे बताया गया इसमें भी देख सकते हो कि ग्राम पोस्ट बरारी भागलपुर, और यहाँ पे पिन कोड यहाँ पे दिया गया है, ईमेल आईडी भी यहाँ पे दिया गया है, मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दिया गया है, विज्ञापन संख्या यहाँ पर ये रहा, और विज्ञापन यहाँ पे दोस्तों कि विज्ञापन यहाँ पे बताया गया है कि बिहार एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन राजकीय पॉलिटेक्निक भागलपुर के विभिन्न संकाय में अतिथि व्याख्यान तथा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कृषि अभियंत्रण, असैनिक अभियंत्रण, टेक्सटाइल अभियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण, यांत्रिक अभियंत्रण, गणित, भौतिकी, रसायन, अंग्रेजी एवं अतिथि अनुदेशक तथा यहाँ पर दोस्तों की अतिथि अनुदेशक तथा कर्मशाला, कृषि अभियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण, और भी यहाँ पे बताया गया है कि पूरे यहाँ पे जो कि इसका ऑनलाइन आवेदन 2 सितंबर तक संस्था के वेबसाइट www.gpbgp.org पर दिए गए लिंक के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं, जो कि कुछ इस तरह का यहाँ पे बताया गया है कि अतिथि व्याख्या के न्यूनतम योग्यता हो गया AICTE नई दिल्ली से मापदंड के अनुसार, और यहाँ पे बताया गया कि वांछनीय योग्यता जो गया ऑनलाइन माध्यम से कक्षा आयोजित करने की क्षमता, अतिथि अनुदेशक तथा प्रयोगशाला योग्यता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता। चयन प्रक्रिया की बात करते तो अभ्यर्थी के ऑनलाइन माध्यम से मॉक यहाँ पे देखते हो कि MCO टेस्ट यानी मॉक टेस्ट, और यहाँ पे एवं साक्षात्कार जो इंटरव्यू से सम्मिलित होना होगा, और यहाँ पे बताया गया MCQ टेस्ट का साक्षात्कार इंटरव्यू की तिथि एवं समय की जानकारी संस्थान के वेबसाइट ये रहा इस पर दी जाएगी, और यहाँ पे बताया गया कि साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना सभी मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अन्य संबंधित कागजात लाना होगा। चुने गए अभ्यर्थी को ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास के माध्यम से बताया गया है कि डिमॉन्स्ट्रेशन क्लास द्वारा जांच की जाएगी, और चुने गए अभ्यर्थी का कार्यदेश सत्र 2021-22 के लिए निर्गत किया जाएगा। तो आप किसी भी स्टेट सॉरी किसी भी जिले से है तो आप बिहार में तो आप आवेदन कर सकते हैं। वैसे आप जो मैं बताया उस दो जिले में वैकेंसी आई है, जो कि यहाँ पे मानदेय की बात करते हैं तो अतिथि व्याख्या के लिए यहाँ पे बताया गया है कि ये कितना कितना रुपया आपको दिया जाएगा किस पद के लिए। तो व्याख्या के लिए यहाँ पे 30,000 तक यानी कि रोज़ की 800 रुपया दिया जाएगा, वही अतिथि अनुदेशक के लिए यहाँ पे 13,000 प्रतिमा दिया जाएगा यानी कि रोज़ के 400 रुपये, और अतिथि प्रयोगशाला के लिए इसमें भी 400 रुपये रोज़ के यानी कहे तो, और इसमें बताया गया कि अधिकतम 14,000 इसमें प्रतिमा दिया होगा। तो ये भर्ती जो है संविदा पे है, इसको बताया गया है कि जो बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है, और आपको बता दें कि भीत प्रपत्र आवेदन एवं दस्तावेज जमा करने का ये रहा लिंक, ये आपको यहाँ पे टाइप करना है गूगल में इस तरह से क्रोम में, और फिर या फिर इस संस्थान के वेबसाइट इतना पर देखा जा सकता है, ये बताया गया है। तो दोस्तों यही था दो पेपर कटिंग जो कि यहाँ पे ये जो है प्रभात खबर में ये दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो जो कि ये 17 तारीख के पेपर में प्रभात खबर में दिया गया था। तो दोस्तों यही है न्यूज और नोटिस जो कि मैं आपको इस वीडियो के मार्फत से बता दिया हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो के लाइक करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे में जॉब से रिलेटेड पल पल की खबर लेके आता रहता हूँ। थैंक यू, बाय बाय एंड लव यू ऑल।